कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है जिसको लेकर रहेंगे राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक छावनी सिंह पालीवाल कंपाउंड कोटा में संपन्न हुई। कर्मचारी महासंघ के मीडिया प्रभारी वरिष्ठ नेता नेपाल सिंह राव के अनुसार बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह ठाकर ने की तथा बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा ने सानिध्य रहा। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभी विभागों से रिक्त पदों पर नई भर्ती करने, प्रतिवर्ष डीपीसी का पदोन्नति करने, 2004 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू, सामंत समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, वेतन विसंगति दूर करने पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारियों की जायजा मांग को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया। राव ने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है जिसको हर हाल में लेकर रहेंगे राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों का महासंघ पुरजोर विरोध करेंगे। महासंघ का प्रदेश अधिवेशन दिसंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। बैठक को प्रदेश महामंत्री राशिक शर्मा ने संचालित किया। राजस्थान के कोने कोने से प्रदेश कार्यकारिणी तथा जिला अध्यक्ष मंत्रियों ने सहभागिता की। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री देवलाल गोचर, मेघवांग सिंह ओसुलिया, राजेंद्र सिंह राठौर, दशरथ सिंह पाटी, देवराज चौधरी, सरोज यादव आदि लोग मौजूद रहे।